तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। माय नेम इज शिवानी। तो गाइस, आज का वीडियो लिटरली काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत सारे रेसिपीज के बारे में बातें करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, जैसे कि हम लोग को पहले से ही पता था कि शोन कॉल स्टीव ऑस्टिन का रिटर्न देखने को मिलने वाला रेसलमेनिया 40 में, बट शोन कॉल नहीं आए थे रेसलमेनिया 40 में। ऐसा क्यों? इसका बहुत बड़ा रीजन है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा कि हमें बहुत सारे रेसलर्स देखने को मिले थे रेसलमेनिया 40 में, जैसे द रॉक, अंडरटेकर और जॉन सीना, इनमें से बस एक ही सुपरस्टार नहीं आए थे, वो थे शोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। और उनका फैंस भी काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि शोन कोल्ड अब आएंगे, बट वो नहीं आए। तो गाइस, आपको बता दूं, रिसेंटली WWE के राइटर विंस रोशो ने ये बताया कि शोन कोल्ड किस वजह से मैच के मेन इवेंट में नहीं आए थे। तो गाइस, आपको बता दूं, ऑस्टिन का ये मानना था कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे वैसे मेरी वैल्यू नहीं होने वाली वहां पे। तो अभी के टाइम में रिसेंटली शोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का मानना है कि अगर मैं एंट्री करूंगा तो मैं अकेले एंट्री करूंगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई ग्रुपिंग में आऊँ वहाँ पे। तो गाइस, जैसा कि आप समझ सकते हो, बस वो बहुत सारे रेसलर्स आ रहे थे इसलिए शोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन नहीं आए, वरना वो पक्का आते हैं। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि समर स्लैम में शोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आते हैं या नहीं। वैसे अगर कुछ न्यूज मिला तो मैं तुरंत ही आपको बता दूंगी। तो गाइस, अब बात करते रोमन रिंग्स के बारे में, यानी कि जब रोमन रिंग्स अपना रिटर्न कर जाएंगे देन उसके बाद रोमन रिंग्स आते ही सेथ रॉलिंस को टारगेट करने वाले हैं। तो अभी के टाइम में सेथ रॉलिंस को चोट के वजह से ब्रेक पे जाना पड़ा है। यही नहीं, यहाँ तक रोमन रिंग्स भी शायद लंबे टाइम तक दूर रहने वाले हैं WWE एक्शन से, और रोमन रिंग्स आते ही सेथ रॉलिंस को अपना शिकार बनाने वाले हैं। सबसे पहले रोमन रिंग्स आएंगे तो सेथ रॉलिंस को सबक सिखाएंगे, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने कोऑर्डिनेट्स की हेल्प की थी, जिसके वजह से रोमन रिंग्स को अपना चैंपियनशिप गवाना पड़ा। तो मैं आपको अब दो पॉइंट बताने वाली हूँ जिसके वजह से आने वाले टाइम में रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलने वाला है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करूं तो रोमन रिंग्स की रेसलमेनिया 40 में हारने की सबसे बड़ी वजह सेथ रॉलिंस ही थे। सेथ रॉलिंस को भी ये बात काफी अच्छे से पता था कि कॉरिडोर रेसलमेनिया XL में रोमन रिंग्स को अपने दम पे तो हरा नहीं पाएंगे। तो ऐसे में सेथ रॉलिंस ने खुद ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि मैं कॉरिडोर का हेल्प करूंगा। और गाइस, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि रेसलमेनिया नाइट 2 में सेथ रॉलिंस जानबूझकर दी सील्ड के कॉस्ट्यूम में नजर आए थे, तो रोमन रिंग्स ने सेथ रॉलिंस को जब दी सील्ड के कॉस्ट्यूम में देखा था तो उनका ध्यान हट गया वहां से। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कॉरिडोर मैच जीते तो उनके पीछे सबसे बड़ा योगदान सेथ रॉलिंस का रहा। तो गाइस, ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान तो रोमन रिंग्स का हुआ है। रोमन रिंग्स ये सब बिल्कुल नहीं भूलने वाले और वो आते ही सेथ रॉलिंस को पक्का टारगेट करेंगे, या तो समर स्लैम में या कोई आने वाले मैच में। तो सेकंड पॉइंट को डिस्कस करो तो WWE सुपरस्टार सेथ रॉलिंस आगे भी रोमन रिंग्स को परेशान कर सकते हैं। ऐसे में रोमन रिंग्स सबसे पहले उन्हें ही टारगेट करेंगे। तो रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस की रिवैलरीज पहले भी हमें देखने को मिल चुकी है, वो काफी डेंजरस होता है इन दोनों का रिवैलरी। तो रोमन रिंग्स आते ही सबसे पहले सेथ रॉलिंस की इस रिवैलरी को कन्फ्रंट करके खत्म करना चाहते हैं। अगर रोमन रिंग्स आते ही ऐसा नहीं करते तो उन्हें काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो जब भी मैच लड़ेंगे सेथ रॉलिंस आकर उनके रास्ते में डिफिकल्टीज कर सकते हैं। तो रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस के बीच एक लंबा फ्यूंड हो सकता है, जिसकी वजह से ये रिवैलरी यहीं पे खत्म हो सकती है इस बार 2024 में। तो गाइस, अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों की रिवैलरी कब होती है, या समर स्लैम में होती है, उसके बाद होती है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रिसेंटली रोमन रिंग्स एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे लाइफ का काफी टेरिबल मोमेंट था जब मैंने 2019 और 2020 में मैच लड़ा था, वो मेरे करियर का वर्स्ट मोमेंट था, उस टाइम में मुझे लग रहा था कि मुझे रिटायर ले लेना चाहिए। तो गाइस, अगर ऐसे में रोमन रिंग्स सच में रिटायर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मैं आपको CM Punk के बारे में बात बोलूं तो CM Punk अभी के टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अभी के टाइम में CM Punk ही ऐसे बंदे हैं जिन्होंने रेसलमेनिया, रॉ, AEW सभी जगह एक ही वीक में प्रेजेंट थे। तो गाइस, आप समझ सकते हो अभी CM Punk का काफी वैल्यू हो रहा है WWE में। तो आपको बता दूं, अभी के टाइम में ड्रू मैकइंटायर भी काफी अपसेट है CM Punk, क्योंकि CM Punk की वजह से ड्रू मैकइंटायर को अपना टाइटल खोना पड़ा था। अब देखते हैं गाइस, ड्रू मैकइंटायर क्या एक्शन लेते हैं CM Punk के अगेंस्ट। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा ही वैल्यूएबल लगता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।